जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपका जो पेपर थर्ड है शैक्षिक तकनीक, चलिए उसको एक बार यूनिट वन से लेकर यूनिट फाइव तक रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उनमें क्या क्या पढ़ना है। मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं बस उसको टच करूँगा, मैं उसका अर्थ बताऊँगा और वो क्या चीज़ होता है ये समझाने की कोशिश करूँगा। नोट्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि जिस हिसाब से एग्ज़ाम्स चल रही हैं आपको पता है कि आप चाहे कितना भी रट के जाएँ, रटा हुआ काम नहीं आ रहा है। जो आपने समझ रखा है उसी से अपने शब्दों में बना के लिखना है। वास्तव में यही बीएड की असलियत है, यही बीएड की वास्तविकता है। तो चलिए समझ लेते हैं यूनिट वन से लेके लास्ट यूनिट तक तीसरे पेपर में आपको क्या पढ़ना है और किससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और कह दूं कि ये बस पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा भी आपको कुछ पढ़ना है। 10 मिनट के वीडियो में पूरे एक साल का कवरअप नहीं किया जा सकता। मैं बस चीज़ों को आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अलावा भी आप ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हमेशा की भांति शुरुआत करेंगे फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट का नाम है शैक्षिक तकनीकी, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इसके ऊपर विस्तृत तो बात हो चुकी है, तो आइए एक बार जस्ट देख लेते हैं कि शैक्षिक तकनीकी वास्तव में होता क्या है। आप सबको पता है कि शैक्षिक तकनीकी कहते किसे हैं। शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बनाए, शिक्षा प्लस तकनीक। इंग्लिश में बात करें तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, एजुकेशनल प्लस टेक्निक, विच मीन्स द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी कि शैक्षिक तकनीकी क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। और इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांत और आविष्कारों का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, प्रिंसिपल्स एंड थियरी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज नोन एज द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कहने की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल, शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान एवं सिद्धांतों का इस्तेमाल शैक्षिक तकनीकी कहलाता है, शिक्षण तकनीकी कराता है। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके आधार पे जो भी सवाल बनता है आप प्लीज़ अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। बात करते हैं उपागम के बारे में। उपागम होता क्या है? उपागम को अंग्रेजी में अप्रोचेस कहते हैं और अप्रोच का मतलब होता है कि एक साधन बनना या माध्यम बनना किसी चीज़ को समझने में या किसी चीज़ को पाने में। तो यहीं पर अप्रोच यानी उपागम क्या होता है दोस्तों? तो उपागम अध्ययन की वह शाखा या माध्यम है जिसके आधार पर शैक्षिक तथ्यों की विवेचना की जाती है। अंग्रेजी में अप्रोच इज द ब्रांच और अ मीडियम ऑफ स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ विच एजुकेशनल फैक्ट्स आर डिस्कस्ड। वो माध्यम, वो साधन है जिसके आधार पर शैक्षिक तथ्यों की विवेचना की जाती है, इसको उपागम कहते हैं। कितने उपागम? तीन उपागम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। शैक्षिक कठोर उपागम, मृदुल उपागम या फिर इसको कोमल उपागम भी कहते हैं, और प्रणाली उपागम। मैंने आपको क्या बताया शैक्षिक तकनीकी क्या है? शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल, और इसमें तीन उपागम है, कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली उपागम। तो जब शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का इस्तेमाल करेंगे, तो वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांत भी कई प्रकार के हो सकते हैं। उसी के आधार पर उपागमों का बंटवारा हुआ है, उपागमों का क्लासिफिकेशन हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो पहले देखिए कठोर उपागम क्या होता है। अब मान लीजिए फिजिकल, देखिए जो भी फिजिकल साइंस का यूज होगा, जो भी मशीनों का यूज होगा, जो भी अभियांत्रिक मतलब इंजीनियर द्वारा प्रोड्यूस उपकरणों का इस्तेमाल होगा, वो कठोर उपागम होता है। कठोर उपागम को समझ जाइए दोस्तों। देखिए कठोर उपागम में क्या होता है, अभियांत्रिकी तथा भौतिकी विज्ञान का योग, समझ में आ रहा है? अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिकल साइंस के योग का उपयोग किया जाता है, तो वो कठोर उपागम होता है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें रेडियो, कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लासेस, ये सारी चीज़ें किसके आएंगी, अंदर आएंगी कठोर उपागम के आगे। मृदुल उपागम, अब आप कहेंगे मृदुल उपागम क्या होता है? इसमें भी विज्ञान का इस्तेमाल होता है, मगर भौतिक विज्ञान का इस्तेमाल ना होके सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान का इस्तेमाल होता है, और ख़ासतौर पर अधिगम का मनोविज्ञान का इस्तेमाल होता है। देखिए उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि शैक्षिक तकनीकी, अच्छा इसको अन्य किन नामों से जानते हैं? इसको कहते हैं अनुदेशन तकनीकी, इसको कहते हैं शिक्षण तकनीकी, और इसको कहते हैं व्यवहार तकनीकी। समझ में आ रही दोस्तों? इसको व्यवहार तकनीकी भी कहते हैं, इसको अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी। इंग्लिश में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें यहाँ देखिए, यहाँ भौतिक लिख लीजिएगा, इसमें भौतिक विज्ञान व तकनीकों पर आधारित न होकर मनोविज्ञान और ख़ास तौर पर अधिगम के मनोविज्ञान की आधारशिला पर खड़ा है। समझ में आ गया दोस्तों? यानी कि ये जो होता है
मृदुल शिल्प उपागम यानी कि कोमल शिल्प उपागम, इसमें फिजिकल साइंस और इसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जा सकता, इसमें सोशल साइंस, इसमें सोसाइटी और सोशियोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है इसमें मनोविज्ञान, अधिगम के मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो बात हो गई कठोर की और ये तो बात हो गई कोमल की, प्रणाली उपागम कहते हैं किसको है? प्रणाली उपागम को अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच। और सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब देखिए, प्रणाली उपागम का संबंध कक्षा के बाह्य परिवेशों से है होता है जो व्यवस्था में व्याप्त कमियों या समस्याओं को उजागर करता है और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसका समाधान करता है। अब इसका मतलब देखिए, बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है, शिक्षा देनी है, तो एक सिस्टम काम करता है, मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही मैनेजमेंट, वही मैनेजेशन, यही क्या होता है? प्रणाली उपागम होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। तो बस चीज़ों को जान जाइए। अब इसके बारे में क्या पूछता है, सवाल कैसे पूछता है, आपको अपने शब्दों में जवाब देना है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब ये यूनिट फर्स्ट हो गया, अब मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जरा रुकिए। यूनिट फर्स्ट में उतना पढ़ा, अब यूनिट टू में आपको पढ़ना है शैक्षिक प्रौद्योगिकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आपने एजुकेशन का शिक्षा के क्षेत्र में आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, एजुकेशनल प्लस टेक्नोलॉजी, वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गई। लेकिन जब हम टीचिंग के क्षेत्र में करेंगे दोस्तों, टीचिंग के क्षेत्र में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो वो शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहलाएगी। उसी चीज़ को लिखा गया है शैक्षिक प्रौद्योगिकी। देखिए, शिक्षा के एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी टीचिंग टेक्नोलॉजी, आसान से शब्दों में। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या होता है भाई? शैक्षिक प्रौद्योगिकी को अधिगम प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। उचित तकनीकी प्रक्रिया और संसाधनों के सृजन, उपयोग तथा प्रबंध से के द्वारा अधिगम का कार्य, प्रदर्शन, सुधार के अध्ययन और नीति को के अभ्यास को कहते हैं। अब देखिए, शैक्षिक तकनीकी कहते हैं किसको, भूल जाइए ये सारी चीज़ों को, भूल जाइए। शैक्षिक तकनीकी किसे कहते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? कि टीचिंग के क्षेत्र में यानी शिक्षण के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का प्रयोग, ठीक है, यहाँ देखिए सृजन उपयोग कहा गया है। सृजन उपयोग कह लीजिए, सृजन प्रबंध कह लीजिए, सृजन इस्तेमाल कह लीजिए। कहने का सिंपल सी बात है कि टीचिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान, सिद्धांत, उपकरणों का इस्तेमाल टीचिंग टेक्नोलॉजी कहलाता है। आसान से भाषा में यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, आसान से भाषा में आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है, सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी सकारात्मक तरीके से, इन द पॉजिटिव वे, सकारात्मक तरीके से प्रौद्योगिकी को एकाकृत करती है। मतलब जितने भी टेक्नोलॉजी है उसको एक करने की प्रक्रिया है, जो अधिक विविध सिखाने का माहौल को बढ़ावा देती है और छात्रों के लिए यह सीखने का तरीका है कैसे प्रौद्योगिकी एक साथ उनके साथ असाइनमेंट का उपयोग किया जाए। सिंपल सी बात है, जितनी भी टेक्नोलॉजी आपको यूज़ की जा रही है उसको एक करके सीखने का माहौल बना देना, उसको क्या कहते हैं भाई, टीचिंग टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। सिंपल सी बात है, टीचिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टीचिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों का उपयोग क्या कहलाता है भाई, टीचिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब आइए एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस कर लीजिए, क्या है भाई, मैक्सिम्स ऑफ द टीचिंग, शिक्षण सूत्र क्या होता है। पहले देखिए शिक्षण सूत्र क्या होता है, यहाँ पे शिक्षण सूत्र को पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, कोई भी कार्य करने से पहले इस बात की डिस्कस, इस बात की विवेचना की जाती है कि उस कार्य को कैसे बेहतर, आसानी से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार शिक्षक के क्षेत्र में यह सुनिश्चित करना कि किस शिक्षण विधि से और किस तरीके से शिक्षण किया जाए कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो, ठीक है, किस मेथड से शिक्षक किया जाए, किस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग वी कैन फाइंड आउट। समझ में आ रही दोस्तों, कहने का मतलब कि वह सूत्र जिसका उपयोग करके शिक्षण करना है आपको, वह सूत्र जिसका यूज़ करके आपको टीचिंग करना है, शिक्षण सूत्र कहलाता है। शिक्षण सूत्र का मकसद क्या होता है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना, शिक्षण सूत्र का मकसद क्या होता है कि शिक्षण को आसान बनाना, और शिक्षण सूत्र का मतलब होता है कि छात्रों को अधिक शिक्षा का लाभ देना। ये आप जरूर लिख सकते हैं। तो वास्तव में शिक्षण सूत्र कितने होते हैं, देखिए 10 शिक्षण सूत्र आपके सामने दिए गए हैं, ये वेरी कर सकते हैं, 12, 13, 8, 9 भी कर सकते हैं, इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। एक्चुअल में देखिए क्या कहा गया शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र का मतलब सरल से कठिन की, आप बच्चों को जब पढ़ाइए तो पहले सरल चीजें पढ़ाइए, उसके बाद मतलब आप सरल से कठिन की ओर ले जाइए, इसी को कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप देखिए इंग्लिश वाले बच्चे आप यहां से देखते रहिएगा,
और हिंदी वाले लोग यहाँ से देखिए सरल से कहाँ तक कठिन तक। इसके बाद बात करते हैं ज्ञात से अज्ञात, पहले बच्चों को क्या ज्ञात है उसके बाद अज्ञात की तरफ, संपूर्ण से अंश की तरफ, पहले अगर छोटी चीज़ है उसके बाद अंश तक जाइए, सुधूल से सूक्ष्म की तरफ, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, अनुभव से तर्क की तरफ, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम में तार्किक क्रम की ओर और अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो ये दोस्तों कुछ सूत्र हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नॉन टू अनटोन, पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, कंसेप्ट टू अब्स्ट्रैक्ट एंड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पर्टिकुलर, मतलब ये वो सूत्र हैं दोस्तों जिसका उपयोग करके आपको शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जिसका उपयोग करके शिक्षा को आपको बेहतर बनाना है। इन सब का समराइज, चाहे किसी चीज़ का आपको उद्देश्य पूछे, शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपका क्या उद्देश्य है, टीचिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज़ आपका क्या उद्देश्य है, या फिर कोई भी आपका उद्देश्य पूछे, आसान भाषा में समझ जाइए दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, शिक्षा को सरल बनाना, शिक्षा को रुचिकर बनाना, शिक्षक के श्रम को कम करना, विद्यार्थी के अनुभव बढ़ाना, मूल्यांकन करने में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है, शिक्षक तकनीकी का इस्तेमाल होता है, और शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना और शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना। तो कोई भी उद्देश्य पूछे आप ये आसानी से लिख सकते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इसी यूनिट में, दूसरे यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसी यूनिट में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं कम्युनिकेशंस, यानी कि संप्रेषण। देखिए हर एक टॉपिक पे स्पेशली वीडियो बनाई गई है, आप उसको देखेंगे, उसमें एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है इसीलिए मैं शॉर्टकट में एक जगह समराइज़ कर दे रहा हूँ। संप्रेषण का क्या मतलब होता है, संप्रेषण का मतलब होता है, कम्युनिकेशंस का क्या मतलब होता है, एक दूसरे से बात करके अपने विचारों का आदान प्रदान करना। बस आसान से भाषा में समझ जाइए कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं, समझ में आ गया दोस्तों, तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझना और प्रेषण करने में उपयोग किया। प्रेषण का मतलब दूसरों तक पहुंचाना, जो भी आपको विचार आदान प्रदान हुआ उसको समझिए और दूसरों तक पहुँचाइए, इसी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। एक बार और समझ जाइए दोस्तों, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या है, प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव तथा मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं, समझ में आ गया दोस्तों। इंग्लिश में देख लीजिए, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच पीपल एक्सचेंज देयर नॉलेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आइडियाज। ये क्या होता है भाई, एक्सचेंज होता है। इन दिस वे द आइडियाज और मैसेज रिसीव्ड आर यूज टू अंडरस्टैंड, मतलब ये चीज़ें होती है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपके विचारों का आदान प्रदान करना, आपके ज्ञानों का आदान प्रदान करना, तो इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ अगर आप पूछे तो बस जान के रखिए, इतना रटने वाली चीज़ इसमें पूरे मेरे वीडियो में कहीं रटने वाली चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, हाँ बस ध्यान में रखिए कि संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये लैटिन भाषा के कम्युनिको से बना है और कम्युनिकेशन का अर्थ होता है साझा करना, हिस्सा बांटना। तो यहाँ से इसका शाब्दिक अर्थ निकल जाएगा कि कम्युनिकेशन इज द ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिको विच मीन्स टू शेयर अमंग देमसेल्फ और शेयर विद एनी डिवाइस, समझ में आ गया। यहाँ पर डिवाइस किस लिए कहा गया है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन कंप्यूटर से भी करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर और मोबाइल से भी कम्युनिकेशन होता है, उसको डाटा शेयर किया जाता है, समझ में आ गई दोस्तों। अब आइए बात करते हैं इसकी परिभाषा पे, परिभाषा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि परिभाषा में अक्सर आप ये नाम याद रखेंगे तो पता चलेगा कि ये आ जाएगा, नाम ये रहेगा और ये आ जाएगा, तो आप अपने बुद्धि विवेक से जो भी परिभाषा आपको आसान लगे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों संचार के संप्रेषण के कुछ तत्व होते हैं, कुछ घटक होते हैं। आप खुद देखिए जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो कितने घटक वहाँ पे मौजूद हैं। आप निश्चित कहेंगे कि सबसे पहले तो एक मैसेज है कि आप जो बात कर रहे हैं, जो मैसेज का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो मैसेज वहाँ पर मौजूद होगा। दूसरा प्रेषक होगा, जो मैसेज को दे रहा है, जिसको सेंड कर रहा है, तो वो सेंडर हो गया। तीसरा माध्यम होगा कि किस माध्यम से मैसेज दिया जा रहा है, बोल कर, लिख कर, इशारों से किस माध्यम से मैसेज दिया जा रहा है। और चौथा होगा प्राप्तकर्ता, यानी कि ये चार तत्व तो मौजूद रहेंगे, ये चार घटक तो जरूर मौजूद रहेंगे। पहला कौन सा, जो मैसेज देना है, दूसरा प्रेषक जो मैसेज दे रहा है, और तीसरा वो माध्यम जिसके माध्यम द्वारा मैसेज दिया जा रहा है, चौथा वो प्राप्तकर्ता जो प्राप्त कर रहा है, और पांचवा वो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है दोस्तों, प्रोटोकॉल का मतलब एक समूह या डेटा जो पूरे कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। तो चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों कम्युनिकेशन के बारे में। अब यहाँ से आपको कुछ भी पूछे, कम्युनिकेशन का उद्देश्य, कम्युनिकेशन का मकसद, कम्युनिकेशन की प्रकृति, उम्मीद है दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कम्युनिकेशन का इस्तेमाल क्या हो सकता है बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में
कम्युनिकेशन का क्या इस्तेमाल हो सकता है? आप कम्युनिकेट करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे, आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे, आप उनकी समस्याओं को जान सकते हैं, उनकी समस्या को हल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से भरिए ना, जितना भर सकते हैं भरिए। बस सिंपल सी ये बात रहा, याद रखिए कि कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। समझ में आ गए दोस्तों? चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये देख लीजिए, पहले देख लीजिए, अगर आप देखना चाहते हैं कम्युनिकेशन के उद्देश्य तो देख लीजिए। संचारों का संचार के या उद्देश्य क्या, भाई क्रिया के समन्वय, जो कार्य हो रहा है उसके बीच संबंध, कार्रवाई, जो भ्रम फैले हैं उसको हटाना, नीतियों को लागू करना, मोटिवेट करना, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें हैं। इसकी प्रकृति क्या है भाई? ये दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन का मतलब बस बात करना ही नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब कि जो चीज़ें बात की जा रही उसको समझना भी होता है। देखिए, बोलने में और कम्युनिकेट कर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, माफ़ करिएगा, एग्जाम से बहुत टाइम है। कम्युनिकेशन दोहरी प्रक्रिया का मतलब यही होता है कि कम्युनिकेशन का मतलब आपको बातें बताना भी है, माध्यम का एक्सचेंज भी करना है, और चीज़ों साथ में उस मैसेज को समझना भी है। एक सतत प्रक्रिया हमेशा चलती है, यह अभिप्रेरणा का आधार होता है। कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। संप्रेषण एक प्रवाह प्रक्रिया है जो चलती रहती है, ये रुकने वाली काम नहीं होती है। संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया जो हर तरीके से विकास करती है। संप्रेषण विज्ञान भी है और कला भी है। ये कला है कि आप कैसे बच्चों को मोटिवेट कर पा रहे हैं, और संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक है दोस्तों, इसका महत्व आप खुद लिखिएगा दोस्तों, कि ये योजना बनाने में, जन संपर्क करने में, सिग्नलिंग, ये आप स्वयं से लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन का क्या महत्व है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचने में, या अपने कार्यों को उचित ढंग से करने में, बच्चों को मोटिवेट करने में, बच्चों को एक नई ऊर्जा प्रदान करने में। इसको अपने मन से लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यानी कि ब्लूम्स का वर्गीकरण। अब ब्लूम्स महोदय ने क्या किया? ब्लूम्स महोदय ने कहा कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य ये नहीं कि आप पठन पाठन कर लीजिए, नहीं, आप अपने बातों को विचार कर लीजिए, नहीं। ब्लूम्स वर्गीकरण ने एक वर्गीकरण किया और ये कहा कि शिक्षा का उद्देश्य होता है कि शिक्षा सर्वगीण विकास करना। मतलब उनका कहने का मतलब है कि शिक्षा जो है वो सर्वगीण विकास का आधार प्रदान करती है। तो उन्होंने माना कि कोई भी शिक्षण कार्य होना चाहिए वो तीन पक्ष को विकसित करना चाहिए। कौन कौन से पक्ष के दोस्तों? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष। पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए कि कहा क्या है। बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों पे अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा के उद्देश्य मात्र लक्ष्य नहीं होते जिनकी प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या की संरचना की जाती है अथवा शिक्षक नियुक्ति की जाती है, अपितु उन्होंने क्या क्या देखिए, अपितु यह उद्देश्य तो छात्रों का सर्वगीय विकास का आधार होता है। कौन सा भाई? शिक्षण छात्रों के सर्वगीय विकास का आधार होता है। अब यहां देखिए, ब्लूम्स वर्गीकरण शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण से संबंधित है। आपको सीखने का क्या उद्देश्य है, इसका क्लासिफिकेशन किया, इसका वर्गीकरण किया ब्लूम्स महोदय ने, और इसमें बताया कि इसके तीन पक्ष को आधार मानकर इसका वर्गीकरण किया और कहा कि अगर आप शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो बालक के अंदर इन तीनों पक्ष का विकास होना चाहिए। वो तीनों पक्ष क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तीन पक्ष उन्होंने यहाँ पे दिए। देखिए, सबसे पहले ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक का मतलब आपकी मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, मतलब यहाँ पे आपके दिमाग के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पे दोस्तों आपकी फीलिंग्स, आपका अवबोध, आपकी सोच के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पे वह क्रियाएँ जो आप सेल्फ कर सकते हैं उसकी बात की जा रही है। देखिए, तो ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहले क्या है? ज्ञान। अब आप स्वयं लिखेंगे ये पॉइंट्स को, आप स्वयं लिखेंगे कि ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे आधार ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के कोई चीज़ें संभव नहीं। अगर आप किसी बच्चे का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे ज्ञान दीजिए। दूसरा है दोस्तों अवबोध। अवबोध का मतलब समझना, और ज्ञान के बाद अवबोध आता है। बिना ज्ञान के अवबोध संभव नहीं, यानी कि ज्ञान होगा तो प्राप्त ज्ञान में क्या ज्ञान प्राप्त हुआ आप उसको समझिए, फिर समझने के बाद उसका अनुप्रयोग कीजिए, अपने जीवन में प्रयोग कीजिए, और विश्लेषण करिए। विश्लेषण करिए मतलब तथ्यों को जानिए, चीज़ों को अलग अलग पृथक करके, विश्लेषण का मतलब एनालाइज, पृथक करके देखिए, और उसके बाद संश्लेषण करिए, उन चीज़ों को एक करके सोचिए, समझिए और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए, और अंत में मूल्यांकन करिए कि जो आपने उद्देश्य प्राप्त किए वो सही है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक पॉइंट्स पे बताऊं तो वो भी चीज़ें बनी हैं। आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए बस इन पॉइंट्स को याद रखिए। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष का मतलब उसको समझ क्या आया, उसको अवबोध क्या हुआ। तो सबसे पहले आग्रहण हुआ, आपने कोई बात बताया, उसने आग्रह किया, आग्रहण किया अपने अंदर, उसको समझा। उसके बाद अनुक्रिया किया, उसको देख के उसकी प्रक्रिया हुई। उसके बाद अनुमूल्यन, फिर उस पर विचार हुआ, फिर व्यवस्थापन, और लास्ट में उसके चरित्र का निर्माण हो गया दोस्तों। मनोक्रियात्मक पक्ष उसे कहते हैं जिसमें छात्र कुछ अपना कार्य करता है, कुछ प्रैक्टिकल करता है। तो सबसे पहले उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब वह वस्तु, वह चीज़ जो किसी कार्य करने
करने के लिए बाधित करे उद्दीपन होती है। दूसरा दोस्तों कार्यवाही, मतलब छात्र उस पर कोई कार्रवाई करेगा फिर उस कार्रवाई पर अपना नियंत्रण रखेगा और उस पूरे नियंत्रण और उस पर एक समायोजन बनेगा और वह चीज़ उसके स्वाभिकरण में बन जाएगी, उसका स्वभाव बन जाएगा और इसी तरह उसका आदत बन जाएगा, यानी कि बच्चा करना सीख जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, आप प्लीज़ इसको इंडिविजुअली देख लीजिएगा, खासतौर पर ब्लूम्स वर्गीकरण का जो पॉइंट्स है उसको इंडिविजुअली देख लीजिएगा आप इसका अकेले। आखिरी यूनिट पर देख लेते हैं कि आखिरी यूनिट में क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले आखिरी यूनिट में आपको ये पढ़ना है कि ICT का यूज, चूंकि आप ICT का पेपर दे रहे हैं तो एजुकेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने आपके शिक्षण क्षेत्र की गुणवत्ता को कैसे बढ़ा दिया, इसने एजुकेशन क्वालिटी को कैसे बढ़ा दिया। तो आप लिखेंगे कि एजुकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल, मनोवैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल ने शिक्षण से उसको बहुत बेहतर बना दिया, जैसे ई लर्निंग, ओवरहेड प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्टेड का इस्तेमाल और वर्चुअल क्लासेस, LCD टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासेस, ई लर्निंग ने कैसे आपकी शिक्षण व्यवस्था को और बेहतर बना दिया, इसके बारे में आपको लिखना है और इसके बारे में आपको स्वयं लिखना है। इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, इसको मिश्रित शिक्षा प्रणाली कहते हैं, मतलब वह शिक्षा प्रणाली जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस होती हैं। ऑफलाइन का मतलब कि क्लासरूम में आके बच्चे भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ ऐसी भी व्यवस्था है जहाँ पे शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई हो, उसको जहाँ दोनों हो उसको मिश्रित यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। तो आपको ये पांचवें यूनिट में आपको खुद देख लेना है। और सवाल आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल बताइए, कंप्यूटर का उपयोग बताइए, कंप्यूटर का उद्देश्य बताइए, कंप्यूटर का अर्थ बताइए, ओवरहेड प्रोजेक्ट, वर्चुअल क्लासेस, LCD टेलीविज़न, CCTV क्या है। तो ये सारी दोस्तों आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि CIET क्या होता है, IGNOU क्या होता है और UGC क्या होता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहले देखिए UGC क्या होता है। UGC एक भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जो कि मान्यता देता है, जो भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज होता है उसको मान्यता कौन देता है, UGC देता है। इसीलिए हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो UGC से अप्रूव्ड होती है वही कॉलेजेस बेस्ट होती है और उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। UGC का दूसरा काम एक और होता है कि नेट की पेपर्स कराना, जो भी राष्ट्रीय योग्यता परीक्षाएं होती है उसका कंडक्ट कौन कराता है, UGC ही कराता है उसका UGC। और एक और इसका उपयोग ये होता है कि यह विश्वविद्यालय को अनुदान देता है। मान लीजिए विश्वविद्यालय को कभी पैसे की जरूरत है, कभी सहायक शिक्षक की जरूरत है, शिक्षक की भर्ती प्रैक्टिकल के लिए, तो UGC ही है जो विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को अनुदान सहायता करता है। और UGC जो है वो यूनिवर्सिटी प्लस गवर्नमेंट के बीच की कड़ी होती है, वो UGC यूनिवर्सिटीज़ की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाती है और गवर्नमेंट की बात को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाती है। यही UGC यानी कि भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। मान्यता प्राप्त करना, नेट का पेपर कराना, अनुदान देना और यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के बीच में एक संबंध बनाए रखना UGC का काम है, ठीक है। UGC के उद्देश्य आप यहाँ पर देख लीजिएगा और स्वयं आप लिख लीजिएगा। और IGNOU क्या होता है भाई, IGNOU हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। इसका नाम होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोई उम्र की सीमा नहीं होती कि इतने वर्ष के बच्चे ही करेंगे और यहाँ पे साल में दो बार एडमिशन होता है, एक बार जून में और दूसरी बार दिसंबर में। मुझे डेट कंफर्म याद नहीं लेकिन हाँ यहाँ पे लिखा होगा, आगे अगले वाले पेज पे लिखा होगा कि इसमें एक जून और दिसंबर दो बार साल में एडमिशन होता है। यहाँ कोई उम्र की सीमा नहीं होती और यहाँ पे किसी भी कोर्स को करने के लिए आपको मिनिमम परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती कि आप 60% पाएंगे तभी ये कोर्स करेंगे। और दूसरी IGNOU की व्यवस्था ये होती है कि ये ODL पे काम करता है, मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग, मतलब कि आप घर रह के ही पढ़ाई कर सकते हैं, आपको डेली इस विश्वविद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये IGNOU की व्यवस्था, सॉरी उद्देश्य हो गया, IGNOU की विशेषता हो गई। उम्मीद है दोस्तों UGC समझ में आ गया होगा, IGNOU समझ में आ गया। एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है, चलिए ठीक है दोस्तों आप उसको स्वयं पढ़ लीजिएगा, वो है कौन, CIET शायद ये। लेकिन आप ये पूरा वीडियो को अगर देख लिया ना, मैं यकीन कर रहा हूँ पूरा वीडियो को अगर आप देख लिया, आप कल पेपर दे के आइएगा फिर आप देखिएगा कि इसमें से कितनी चीज़ें मिल रही हैं। एक चीज़ें छूट रही हैं, क्या, वो तीसरा यूनिट छोड़ रहा है, मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग का मतलब शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर अकेले एक विस्तृत टॉपिक बनाई जाएगी, उस पर अकेले वीडियो बनाई जाएगी। मगर हाँ, मेरा एकमात्र मकसद ये था कि आपको रिवाइज करा दूं। देखिए आप इसको दोबारा बिल्कुल मत देखिएगा, आपको जो चीज़ें समझ में आ गई होगी एग्जाम्स के टाइम, ये अगर बातें याद आ रही हैं, इसमें से कुछ चीज़ें संबंध आ रही हैं, तो आप उसको छाप दीजिएगा, आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी करिए, एक बार किताबों को पढ़ने को पलटिए। आप पन्ना पलटना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे, इसलिए मैंने वीडियो के फॉर्म में दे दिया ताकि चीज़ें आपके कान में आ जाएँ, चीज़ें समझ में आ जाएँ, ताकि आप स्वयं आपका पेन चले और पेपर पर आप भर के आएँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी
भी बच्चा कम से कम प्लीज़ 26 प्लस लिख कर आना, मेरी मेहनत का तुम्हें कसम है, 26 प्लस लिख कर आना, और ज़्यादा से ज़्यादा 30-31 तक भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ 26 प्लस प्लीज़ ज़रूर लिखना, ज़रूर लिखना, ज़रूर लिखना। सारी चीज़ें आपको बता दी गई। शिक्षण प्रतिमान यानी कि टीचिंग मॉड्यूल के बारे में वीडियो आपको बता दिया जाएगा। प्लीज़ 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 कमेंट में अपना टाइम मत बर्बाद करें, कल जब पेपर दे के आएगा उसके बाद कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप कमेंट करेंगे, चीज़ें समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को आप देखिए, बस समझ जाइए, और जो भी देखिए, मैंने कहीं भी डेफिनेशंस, थियरी, प्रिंसिपल और यूज़ ये चीज़ें नहीं बताई, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आप स्वयं से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी उद्देश्य तकनीकी ये सारी चीज़ें आप स्वयं से कर सकते हैं, कर सकते हैं, प्लीज़ आप ज़रूर करिए, और कम से कम 26 पेज लिख के आइए मेरी इस मेहनत के नाम पे, ठीक है। और आने के बाद कमेंट करिए, ठीक है, आराम से पढ़िए, अपना किताब पन्ना पलटिए, हर एक क्वेश्चन को टच करिए। और जो रही बात शिक्षण प्रतिमान की, मॉडल ऑफ टीचिंग की, उसकी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ एग्ज़ाम देने के बाद बताइए कि पेपर में कैसा रहा, समझ में आया कि नहीं आया, क्या कुछ चीज़ें इससे मिली कि नहीं मिली। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो जानकारी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।